प्रधानमंत्री जो सारे 8,000 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पे चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई एकलौते नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूँ, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। दर्शकों, कन्हैया कुमार अपने कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं, और कन्हैया कुमार जब भी आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्यों कन्हैया कुमार ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए और सरकार को उसका मुंह दिखा दिया। अडानी और मोदी के तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार वही कांग्रेस के नेता हैं जिन पर जो है लगातार आरोप जड़े जाते हैं। बीजेपी पार्टी कहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मसीहा कौन है, टुकड़े टुकड़े गैंग को बनाया किसने, इस तरीके की बातें कन्हैया कुमार सुनते रहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को जब बड़ा मंच मिलता है तो इस मंच पर जो है लगातार वो बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं और सरकार से सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों देश की सरकार अडानी को बचाने का काम कर रही है, आखिर क्यों यहाँ पर अडानी को जो है रेलवे का आधा हिस्सा दे दिया गया, तमाम चीज़ों को सौंप दिया गया, आखिर क्यों 82,000 करोड़ रुपये का लोन दे दिया गया। ये तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार ने इस वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। जो साधारण लोग होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उन्मुख हो, देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो, तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। मैं अपने सेवा दल के कुछ साथियों को यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। यह सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, यह इतिहास है और यह इस देश का भविष्य तय करने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो हैं जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो हैं जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो हैं जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है, उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है, उनको इस बात को इंश्योर करना है कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है। इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है, एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है, मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जया शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जया शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी
कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए, बताइए। इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गृह मंत्री, किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। यह नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया, पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं इसीलिए हमको पता है। अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं, कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी, और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। दोस्तों हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे, वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि GST और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है कि हर 15वें-16वें मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
दर्द ये है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी? दर्द ये है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। यह इस देश का बुनियादी सवाल है। इस देश का बुनियादी सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। इसीलिए हम आपसे यह अंतिम आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है। इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है, और बुनियादी सवाल पे बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाइए, टीवी जो आपको दिन रात दिखाता है उस पे भरोसा मत कीजिए। सच्चाई ये है कि सरकार कुछ भी भाषण दे दे, महंगाई से इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। सच्चाई ये है कि नौकरियों के नहीं चलते, अकेले रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट खाली है, नौकरियों में भर्तियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी के चलते व्यापारियों की कमर टूट रही है। यह जो देश का सपना टूट रहा है, उस टूटे हुए सपने को जोड़ने का नाम है भारत जोड़ो यात्रा है। इस बात को याद रखिएगा। और यह भारत जोड़ो यात्रा अपने मुहिम में सफल होगा जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बराबरी का संविधान दिया है, और यह जो बराबरी का संविधान है, जब तक यह संविधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदू और मुसलमान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है, इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए, और जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का सवाल, उस पर ईमानदारी से लड़ने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुक्रिया देता हूं। और एक बार फिर से आप सब लोग पार्टी स्थापना दिवस में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर पोल खोल वाला मामला हो गया है, किस तरीके से कन्हैया कुमार ने हल्ला बोल दिया है, और इस हल्ला बोल में, इस पोल खोल में कहीं ना कहीं हकीकत छुपी हुई है। वो सवाल छुपे हुए जिस सवालों को अडानी भी सुन रहे हैं, वो सवाल छुपे हुए जिस सवालों को देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये पूछना चाहूँगा, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ पक्षपात किया है? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने उन हिस्सों को बेच दिया है जिनको नहीं बेचना चाहिए था? आखिर क्यों सरकारी संपत्ति का निजीकरण किया गया है? आखिर क्यों कन्हैया कुमार ने ये सारी बातें कही हैं? क्या सच में यहाँ पर अडानी और मोदी को लेकर जो सुर्खियां चल रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सच हैं? क्या जेपीसी जांच होनी चाहिए? क्या कन्हैया कुमार की इस वीडियो को सुनने के बाद मोदी सरकार, बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों पर पहुंचेगी? और सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम फैसला होगा, ये कल पता चल जाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।